व्हाट्सअप गाइस, मैं मी ट्रैवल्स और गाइस आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ मसल ब्लेस बायोजाइम वे प्रोटीन का। गाइस ये 1 kg का पैक है और इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि इस प्रोटीन की मिक्सेबिलिटी कैसी है, रिजल्ट्स कैसे आते हैं, क्या ये अमीनो स्पाइक्ड है या नहीं, और जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे इस प्रोटीन से रिलेटेड वो सारे के सारे इसी वीडियो में आज सॉल्व हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गैस एक बात मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो मेक श्योर कि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसा कि चैनल का नाम है मी ट्रैवल्स, यहाँ पे ट्रैवल सीरीज़ आ रही है, आप अभी क्लिक करके ट्रैवल सीरीज़ हमारी चेक कर सकते हो। और हर थर्सडे गैस हम एक ड्रिंक का रिव्यू करते हैं जिस सीरीज़ का नाम है थर्सडे थर्सडे, तो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है आप सबके लिए। और अगर आपको बाइक्स में इंटरेस्ट है तो उससे भी हमने काफ़ी ज़्यादा वाइड वैरायटी कवर की है। तो अब मसल ब्लेस पे आते हैं और इस प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। गैस सबसे पहले मैं आपको इसका न्यूट्रिशनल इन्फो बता देता हूँ। ये 33 ग्राम्स का आपको स्कूप मिलता है जिसमें आपको 25 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। एक इंटरेस्टिंग बात, इसमें आइसोलेट ज़्यादा मिलता है, कॉन्सेंट्रेट कम मिलता है। तो जो इसकी बायोअवेलेबिलिटी है प्रोटीन की वो काफ़ी हद तक एवरेज है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई बायोअवेलेबिलिटी नहीं कहूँगा, बट जैसे इस पर क्लेम किया गया उतना मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये अमीनो स्पाइक्ड है। वेल, मेरे ख्याल से अमीनो स्पाइक्ड बिल्कुल नहीं है। जब मैंने पैक लिया था तब इन्होंने लैबडोर से सर्टिफाई नहीं कराया था, बट जो अब करंट मार्केट में आ रहे हैं बायोजाइम, देर लैबडोर सर्टिफाइड, और लैबडोर सबसे वर्ल्ड की हाई क्लास लैब है जिस हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और गैस वो लैब चेक करती है कि जो आप प्रोटीन ले रहे हो क्या उसमें जो क्लेम्स दिए हुए न्यूट्रिशनल इन्फो के बारे में क्या वो सच हैं या झूठ हैं। तो उसमें लैबडोर के उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर किया मसल ब्लेस ने, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि एक काफ़ी अच्छा प्रोटीन है। अब बात करते हैं मेरे रिव्यू की। मैं इसे काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया था, 1 kg का पहले मैंने पैक लिया था ट्राई करने के लिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब उस टाइम वीडियोस बन रही थी कि अच्छा नहीं है, कहीं कह रहे अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड आप समझ सकते हो 70% लोग कह रहे थे कि एक उतना अच्छा प्रोटीन नहीं है, आप किसी बाहर के ब्रांड ले जाओ मेड इन यूएसए एक्सेट्रा। बट मैंने बोला फिर भी एक बार इसे ट्राई कर लेते हैं, और पर्सनली गाइस मेरे को इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोटीन है, मिक्सिबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कोई लम्स फॉर्म नहीं होते। इनफैक्ट अगर आप इसे मिल्क में भी यूज़ करते हो तो भी कोई खास लम्स ऐसे बनते नहीं है। मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स यूज़ किए हैं, अगर आपने उन सबके भी रिव्यू देखे हैं तो सप्लीमेंट रिव्यूज़ के नाम से भी हमारी एक सीरीज़ है, आप वो भी चेक कर सकते हो। और गाइस इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स तो मिलते हैं, साइड बाय साइड आपको SEAAs और NEAAs भी मिलते हैं। अब आपको नाम से कईयों को नहीं पता होगी, बेसिकली ये वही होते हैं। SEAAs में आर्गनाइन आ जाता है, प्रोलाइन, टायरोसाइन, ग्लाइसिन, सिस्टीन। NEAAs में गाइस आ जाता है सिरिनिन, एलानाइन, एस्पैरिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो ये तो हो गई गाइस आपकी SEAAs और NEAAs। फ्लेवर की बात किया जाए, जो मेरा फ्लेवर है वो है आइसक्रीम चॉकलेट फ्लेवर। फ्लेवर बेसिकली गाइस सारे प्रोटीन के सेम ही होते हैं, चॉकलेट फ्लेवर्स भी सारे सेम होते हैं। इसमें कई क्लेम्स लिखे गए हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो गाइस एक इस पे क्लेम लिखा हुआ है 50% हायर एब्जॉर्प्शन। अब ये यूज़ करने के बाद मेरे को सच बताऊँ ऐसा तो कोई डिफरेंस पता नहीं चली कि प्रोटीन एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रहा है नहीं हो रहा, वो ऑफकोर्स एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए। नेक्स्ट क्लेम है 60% हायर BCAAs। मसल ब्लेस बायोजाइम वे प्रोटीन कंटेंट्स क्लिनिकली टेस्टेड फॉर 60% हाई BCAA एब्जॉर्प्शन देन अदर वे प्रोटीन। तो ये भी एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड ही क्लेम है। लोअर स्टमक डिस्कम्फर्ट ड्यू टू इम्प्रूव प्रोटीन डाइजेशन। गैस अगर आपको कई प्रोटीन्स लेने के बाद स्टमक डिस्कम्फर्ट होता है तो डेफिनेटली आप इस प्रोटीन को ज़रूर ट्राई करो, बिकॉज इस प्रोटीन को लेने के बाद मेरे को कोई बंदा नहीं पता जिसके स्टमक में कोई भी डिस्कम्फर्ट या कुछ भी स्टमक रिलेटेड इशू हुआ हो। तो अगर आपका स्टमक सेंसिटिव है तो मेरे ख्याल से ये प्रोटीन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं मसल ब्लेस की, आप ओरिजिनल वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो प्लेस, और आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिलेगा, वरना हेल्थ कार्ड से भी कर सकते हो। और इसके ऊपर वो स्कैन करने वाला कोड होता है जो आप स्क्रैच करके मैसेज भेज के पता कर सकते हो कि आपका प्रोटीन असली है या नहीं। तो गैस अगर इन एंड मेरे को कंक्लूजन देना चाहे, और अगर मैं अपने किसी फ्रेंड या आप सबको बोलूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं कि उन्हें क्या ये प्रोटीन लेना चाहिए, गैस मैं ब्लाइंडली बोलूँगा येस आप इसके लिए जा सकते हो। मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स रिव्यू किए हैं इस चैनल पे, रिव्यू दिए हैं उनका, और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन्स है, और एक ठीक ठाक रेंज में भी आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे नहीं जाता। और इनके जो रॉ मटेरियल होते हैं वो भी ये यूएस से सोर्स करते हैं, तो बेसिकली क्वालिटी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस प्रोडक्ट की। ब्लाइंडली आप इसके लिए जा सकते हो, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। और यस काफ़ी सारे लोग मेरे को कह रहे थे कि मैंने सिट्रलिन का रिव्यू नहीं किया, जब मैं मसल ब्लेस के BCAA का रिव्यू कर रहा था तो उस टाइम मैंने वीडियो में शायद कहा था
कि मैं सिट्रलिन का भी रिव्यू करूँगा। तो गैस जो अभी सिट्रलिन वाला बॉक्स है वो अभी हाफ यूज़ हुआ है और बिना पूरी तरीके से उसे यूज़ किए टेस्ट किए मैं उसे कोई खास आपको रिव्यू दे नहीं सकता। तो जब तक वो पूरा बॉक्स ख़त्म नहीं होता तब तक मैं उसका कोई भी रिव्यू नहीं बनाने वाला और एंड में आपको पूरा यूज़ करके बताऊँगा कि आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं। लेकिन अभी तक जितना मैंने हाफ बॉक्स उसका यूज़ किया है मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप थोड़े से वैस्कुलैरिटी अपने बॉडी में देखना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, सो येस डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड अगर आपका बॉडी फैट कुछ हद तक कम है, इफ़ यू आर अंडर 15%, तभी आपको मेरे ख्याल से रिजल्ट्स दिखेंगे। अगर आप 15% से ऊपर हो बॉडी फैट में तो फिर आपको सिट्रलिन से कोई खास रिजल्ट्स दिखेंगे नहीं, बिकॉज वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ नहीं करता, वो सिर्फ वैस्कुलैरिटी के लिए होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है जब वो अलग वीडियो में आपको बताऊँगा। तो ये थी गाइस मेरी वीडियो, मेरे को उम्मीद है आपको अच्छी लगी। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वीडियो को लाइक कर देना। टिल देन गाइस राइट सेफ, टेक केयर एंड बाय।